मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम जो एक शोध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है तो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो मन बे परमात्मा पर्याय में भी वेश वे साध है आराध है आराधना के सार है ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है भव चक्र से जो भव जन को सदा पार तार की जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकार की निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती मैं चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती मैं चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है वो चक्र के संचार में जो प्रति समय सन्नद्ध है निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है भव जन के शरण जिनके चरण को नमन है कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नयचक को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेद जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ विस्खलन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ विस्खलन। हमारी चर्चा परमभाव प्रकाशक नए चक्र जी ग्रंथ पर पेज नंबर 49 है पीडीएफ। हाँ, तो अभी तक हमारी जो बात चल रही थी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो हमारी बात अभी ये चल रही थी कि व्यवहार ने की जब बात आई और व्यवहार ने की बात के बारे में बताया कि जैसा व्यवहार ने कहता है वास्तविकता में वो पूर्ण तरह से सत्यार्थ नहीं है। यहाँ पे तो से असत्यार्थ ही क्या है तो मेरे ख्याल की जो गाथा 11-12 की बात चल रही थी 11वीं गाथा की तो वहां पे उसे असत्यार्थ कहा। तो यहाँ प्रश्न किया कि यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है यहाँ पे बात चल रही है हमारी। यहाँ एक प्रश्न संभव है यदि व्यवहार अभूतार्थ है असत्यार्थ है उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है। तो इसका समाधान दिया था और ये हमने देखा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है निश्चय व्यवहार के संबंध में कि निश्चय का स्वरूप बिना व्यवहार के माध्यम से उसका प्रतिपादन किया नहीं जा सकता। निश्चय को बताने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है तो निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है जहाँ पे निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उस निश्चय का प्रतिपादक है तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध इन दोनों के बीच में है। तो इसी बात को पंचाध्याय में पूरे प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरी बात समझाई गई है
वो हमने कल प्रारंभ की थी और इसका पहला प्रश्न हमने पढ़ा भी था प्रश्नोत्तर, और दूसरे प्रश्नोत्तर पे हमारी चर्चा आज होनी है। तो भी एक बार पढ़ लेते हैं फिर दूसरे प्रश्नोत्तर फिर आएंगे तब तक पढ़ लू। इसलिए न्याय बल से ये बात प्राप्त हुई कि व्यवहार ने अभूतार थे और जो केवल उस व्यवहार ने का अनुभव करने वाले हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं और इसीलिए वे पथ भ्रष्ट हैं। तो यहाँ प्रश्न हुआ, यदि व्यवहार ने अभूतार्थ है तो नियम से निश्चय ही आदर करने योग्य। ठीक है, यदि व्यवहार अभूतार्थ है तो आदर करने योग्य निश्चय है क्योंकि व्यवहार ने अकिंचित करें। अब ऐसी स्थिति होने पर उस अपरमार्थ भूत का प्रयोजन क्या है, अर्थात व्यवहार का प्रयोजन क्या है। तो इसका समाधान दिया था कि ये कहना ठीक नहीं है, ये हमने समय सार के कलश नंबर 5 से भी थोड़ा देखा था, ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और संदेह होने पर यह वस्तु विचार के समय जो ज्ञान दोनों न्यायों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है वह प्रमाण माना गया है। इसलिए प्रसंगवश किन्हीं को व्यवहार न्याय का आश्रय करना योग्य है, किंतु वे सविकल्प ज्ञान वालों के समान निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है। तो देखो इस लाइन से ये बात आ गई कि सविकल्प ज्ञान वालों के लिए ही व्यवहार न्याय उपयोगी है, निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए वो व्यवहार न्याय उपयोगी नहीं है। जिसको अन्य जगह पे मतलब पांचवें कलश में समय सार जी के पांचवें कलश में ये शब्द दिया कि वो प्रथम भूमिका वालों के लिए उपयोगी है, ऊपर भूमिका मतलब ऊपर शुद्धोपयोग रूप भूमिका को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनके लिए वो व्यवहार न उपयोगी नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कि जब तक उस निश्चय तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक वो व्यवहार उपयोगी है। तो उपयोगी भी किस रूप में, हमने देखा था कि निश्चय का ज्ञान कराए तो ही वो व्यवहार उपयोगी है, और इसे हमने उस रूप में देखा था कि जैसे किसी को जीव का ज्ञान कराना है तो जीव का ज्ञान कराने के लिए किस प्रकार से हम शरीर से जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है वहां से प्रारंभ करते हैं, और जो जीव का शुद्ध स्वरूप है जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है वहां तक हम उसको ले जाते हैं। तो इस तरह से व्यवहार के माध्यम से, भेद के माध्यम से, उपचार के माध्यम से, भेद के माध्यम से, इस व्यवहार के माध्यम से निश्चय स्वरूप का ज्ञान कराना यहाँ पे प्रयोजन है। तो ये प्रश्न का उत्तर आया कि उस अपरमार्थ भूत उससे प्रयोजन क्या है, तो समाधान किया कि प्रयोजन ये प्रयोजन है कि जो सविकल्प ज्ञान वाले जीव हैं वो उसके माध्यम से ही वास्तविक जीव का स्वरूप समझ पाएंगे, उसके बिना निश्चय का उपदेश नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो उठाया है उसकी चर्चा हमने कल प्रश्न पढ़ा था लेकिन हमने उसका उत्तर अभी उस पर चर्चा नहीं करी थी। देखिए शंका, अपने अभीष्ट की सिद्धि एक ही नय से क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चय नय से ही हो जाएगा, इसलिए व्यवहार नय के मानने की क्या आवश्यकता है। प्रश्न चल में प्रश्न ये है कि अकेले निश्चय नय से कार्य क्यों नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि विवाद का परिहार वस्तु का विचार ये सभी ये पूरा कार्य तो निश्चय नय के माध्यम से हो रहा है। तो जब निश्चय नय के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, क्योंकि देखो व्यवहार ने जो बात कह रहा है उस व्यवहार ने, देखो ऊपर एक बात आई थी कि प्रमाण का विषय मतलब वस्तु के संबंध में जो दो या फिर परस्पर विरुद्ध धर्मों का या दो तरह से बात करने वाले नए होते हैं उन दोनों को जो एक साथ समाहित करके कहे या जाने वो प्रमाण माना जाते हैं। ठीक है, जो दो जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है वह प्रमाण, और वो एक दूसरे का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए कभी किसी एक की बात चलेगी कभी प्रसंगवश दूसरे की बात चलेगी। तो प्रसंगवश किन्हीं को व्यवहार नय का आश्रय करना भी योग्य वाली बात आई थी। तो यहाँ बोल रहे हैं यदि ऐसा है तो ये जो दो विवाद वाली बात है, यदि एक निश्चय नय की ही बात करेंगे तो विवाद वाली बात भी नहीं होगी, और वस्तु का विचार निश्चय नय से हो ही जाएगा, तो वो बोल रहे हैं तो फिर व्यवहार नय के मानने की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न है। अब इसका समाधान देखो, समाधान ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों नयों में भेद है। वास्तव में निश्चय नय अनिर्वचनीय है, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के वावदूत व्यवहार नय का होना श्रेयस्कर है। वावदूत मतलब क्या लिया, नीचे देखो फुटनोट में दिया हुआ, वावदूत मतलब बातूनी
या बकवादी या अच्छा बोलने वाला या वक्ता, मतलब जो बोलेगा, जो बोलने का कार्य कर रहा है। तो बोलने का कार्य निश्चय ने अनिर्वचनीय है, तो जो बोल ही नहीं रहा अनिर्वचनीय है, उसके माध्यम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा। तो धर्म तीर्थ की प्रवर्तन के लिए व्यवहार नय का होना श्रेयस्कर है। ये हमने पहले भी बात ली थी, जब बाबू जी के छठी गाथा पे प्रवचन सुनते हैं तो वो ये वाली बात कहते हैं कि एक अनबोला तत्व है, उस अनबोले तत्व वास्तविकता में वही है, लेकिन वो अनबोले तत्व को कौन बताए, उसकी सत्ता का ज्ञान कौन कराए। तो उसकी सत्ता का ज्ञान बोलने वाला कराएगा। वो उदाहरण देते हैं, जैसे घर में एक व्यक्ति हो जो बोल नहीं पाता, वो अनबोला, ठीक है, वो बोलता नहीं है, वो बोलने का काम नहीं करता, और एक बोलने वाला है, तो उस नहीं बोलने वाले का ज्ञान बोलने वाला कराएगा। उसी प्रकार से निश्चय का जो विषय है, जो त्रिकाली द्रव्य है, वो त्रिकाली द्रव्य स्वयं अपने बारे में कभी नहीं बताएगा। जो त्रिकाली द्रव्य है, देखो थोड़ा रेफरेंस चेंज हुआ लेकिन बात को समझते हैं, जो त्रिकाली द्रव्य है वो स्वयं अपने बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो उसको बताने के लिए कौन बोलेगा कि ये है, तो वो पर्याय बोलेगी कि ये त्रिकाली, पर्याय की भाषा चेंज होकर यही बोलेगी पर्याय तो कि मैं त्रिकाली हूँ। उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है ना, जो अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव करे उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। तो ऐसी ही बात को यहाँ समझना कि जो निश्चय है वो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब अब जैसे आत्मा है तो आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा है, जो ज्ञात वो तो वो ही है। अब उसको वचन के माध्यम से कैसे कहें, तो उसको वचन से बताने का काम ये निश्चय के माध्यम से नहीं होगा। निश्चय तो अव्यक्त बोलेगा या अनिर्वचनीय, तो फिर उसका ज्ञान कैसे हो, तो उसका ज्ञान व्यवहार नहीं कराएगा, व्यवहार नहीं उसका प्रतिपादन करेगा, भेद के माध्यम से, उपचार के माध्यम से, जिस जिस प्रकार से उस निश्चय का प्रतिपादन करना ही व्यवहार का एकमात्र कार्य है। तो वो वाली बात यहाँ पे बताई कि निश्चय ने अनिर्वचनीय है, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए वाव दूत व्यवहार नय का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि उसके बिना प्रतिपादन का कार्य ही नहीं हो पाएगा। देखिए यद्यपि यहाँ व्यवहार नय को वाव दूत जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादक माना है, तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है। मतलब अच्छा बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी उपयोगिता स्वीकार की। आचार्य कल पंडित टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी प्रकार का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समय सार ग्रंथ का आधार लेकर दिया है, तथा स्वयं ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो मूलतः पठनी है उसका कुछ आवश्यक अंश इस प्रकार है। देखिए फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए किया। एक निश्चय ने ही का निरूपण करना था, ये अभी प्रश्न ऊपर उठा था ना, तो वही प्रश्न। समाधान, ऐसा ही तर्क समय सार में किया है, वहां उसका उत्तर दिया है। आठवीं गाथा है, बहुत फेमस गाथा है, जैन अभी सख मणजो अणज भाषण विणा दु गाहे तुम तह व्यवहारेण विणा परमत्व वदेषण मसक्खम। जिस प्रकार अनार्य अर्थात मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। आठवीं आता है समय सार जी, बहुत फेमस है कि भाई जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा उसको उसी भाषा में समझाया जाता है, वरना वो समझेगा नहीं। अनार्य को अनार्य की भाषा में, अनार्य अर्थात मिलेच्छ हम समझ सकते हैं, किसी फॉरेनर जिसको समझाना है उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, नहीं समझाएंगे तो वो अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ेगा, अन्यथा एक प्रश्न आया है, एक मिनट पहले पूरी बात पढ़ लेते हैं फिर वो प्रश्न देखते हैं। हाँ, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश असत्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। निश्चय का उपदेश मतलब यहाँ पे आर्य समझना निश्चय का उपदेश, और व्यवहार अर्थात अनार्य, तो
व्यवहार के माध्यम से निश्चय की बात को ही बताया गया, अर्थात व्यवहार निश्चय का ही प्रतिपादक है। तो वो वाली बात यहाँ पे ली है, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश होना अशक्य है, इसीलिए व्यवहार का उपदेश है। एक प्रश्न है, यह अनिर्वचनीय का अर्थ तो बोलने वाला होगा, वह शब्द शायद निर्वचनीय होना चाहिए। एक मिनट, अच्छा आप देखो अनिर्वचनीय मतलब है, देखो वो पूरा देखो, एक तो हम अ लगा करके नेगेटिव सेंस बताते हैं, ठीक है, जैसे अकाल अजैन, तो जो जैन नहीं वो अजैन, काल के बिना अकाल, ठीक है। एक अन लगा करके भी नेगेटिव सेंस, पूरा अन शब्द भी आता है, तो वो संस्कृत में होगा कुछ कि किन किन शब्दों के साथ अनिर अन शब्द अनि लगता है और किन के साथ में अकेले अ से काम चल जाता है। तो यहाँ पे अनिर मतलब वचनी नहीं है, वहां पे अनिर्वचनीय वो पूरा एक शब्द, निर्वचनीय की जगह पे अनिर्वचनीय लिया। मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ कि अ निर, तो ये तो दो नेगेटिव सेंस होंगे, तो माइनस प्लस माइनस इक्वल टू वो, लेकिन वो एक ही है, अनिर मतलब अनि मतलब एक ही नेगेटिव लेना है वहां पे, वो दो नेगेटिव नहीं है, एक नेगेटिव वचनीय, तो जो वचनीय नहीं है वो अनिर्वचनीय, और अलग निर अलग वो नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप देवेश आप पापा से कंफर्म करना, अनिर्वचनीय का अनि पूरा एक एक संस्कृत में मतलब ये नेगेटिव सेंस में एक अनि शब्द होगा, और नी ये अलग अलग नहीं होंगे, अनि ही ये प्लस वचनीय वो अनिर्वचनीय होगा, तो एक ही नेगेटिव सेंस वहां पे लेना है। एक बार कंफर्म करना और इसमें कुछ स्पेशल हो तो आप हमको फिर कल बताना, ठीक है। चलिए आगे हम ये पढ़ रहे थे, देखो ये अभी हमारी बात चली थी ये गाथा नंबर 8 पे, तो गाथा नंबर 8 में बताया कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जाएगा, उसे आर्य की भाषा में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आर्य की भाषा में आप उसे समझाओगे तो उसे को समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो जो आप बताना चाह रहे हो, जिस अर्थ का ग्रहण कराना चाह रहे हो, उस अर्थ का ग्रहण उसको नहीं होगा। तो उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं होगा, आप सीधे परमार्थ स्वरूप वस्तु बताओगे तो उसे परमार्थ की भाषा नहीं पता, ये वो परमार्थ को पकड़ नहीं सकता, तो उसे बताना परमार्थ को है, लेकिन उसको उसकी भाषा में अर्थात व्यवहार व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है, इसीलिए व्यवहार का उपदेश है। तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, इसका अर्थ है इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नय है स्व अंगीकार करने योग्य नहीं है। उपदेश तो दिया व्यवहार का, ठीक है, व्यवहार के माध्यम से उपदेश दिया, लेकिन व्यवहार का उपदेश देकर के व्यवहार द्वारा उपदेश देकर के व्यवहार को अंगीकार करने का उपदेश नहीं दिया। व्यवहार के माध्यम से उपदेश देकर भी अंगीकार तो निश्चय को ही करना है, जो निश्चय का कथन है, जो निश्चय जो वास्तविक स्वरूप है, जो निश्चय है कि विषय वस्तु है, अंगीकार उसका ही करना है। अब ये आप बड़े ध्यान से प्रश्न और उत्तर समाप्ति आएगा, मैं एक बार इसका फॉर्मेट आपको ख्याल करा देता हूँ, फिर इसको हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखो यहाँ प्रश्न दो आ रहे हैं, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है और फिर उसका उत्तर आएगा। मैं आपको बस एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको पता भी होगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोक्ष में प्रकाशक जी का ये पूरा चल रहा है, वहां पे एक प्रश्न उठाया है और इसमें आपको निश्चय व्यवहार दोनों का स्वरूप बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाएगा। ये प्रश्न और समाधान हमारी नए चक्र में निश्चय व्यवहार को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न उत्तर है, जो मोक्ष में प्रकाशक जी में से यहाँ लिया है। देखिए पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर इसका फॉर्मेट समझेंगे, फिर इसका समाधान पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न है, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, पहला प्रश्न, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। लोग ऊपर वाली जो गाथा में बात आई ना, आठवीं गाथा में, तो वहां पे बात ली कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, तो वो प्रश्न यहाँ पंडित जी ने लिया कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता।
और फिर आगे चल के जो बात कही व्यवहार ने नानुसर्तव्य, कि जो व्यवहार ने स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो भाई एक तो आप कह रहे हो कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं होता, और फिर बोल रहे हो कि व्यवहार ने अंगीकार नहीं करना, तो दोनों बात कैसे होंगी ये बात आप हमको बताओ। तो इस समाधान में पहले हम समाधान पढ़ने के पहले देखो देखते हैं, ये पहला पैराग्राफ, पहले पहला जो प्रश्न है, पहले तीन पैराग्राफ वो पहले प्रश्न का उत्तर है, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। तो एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ और तीन पैराग्राफ, तो ये तीन पैराग्राफ में उत्तर दिया, और फिर लास्ट में लिखा चौथे पैराग्राफ में एक लाइन में, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय को उपदेश का न होना जानना। तो ये तीन पैराग्राफ में पहला प्रश्न कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, ठीक है। और फिर जो दूसरा प्रश्न था कि व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, उसको भी तीन पैराग्राफ में बताया। देखो पहला पैराग्राफ, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ, और फिर ये तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद लिखा इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार ने का अंगीकार नहीं करना ऐसा जान लेना। अभी दोनों तीन तीन पैराग्राफ में दो प्रश्न के उत्तर हैं, तो अब जो पहले तीन पैराग्राफ है बाद के तीन पैराग्राफ में वो आपस में लिंक है, तो हम इसे पढ़ने में भी वैसे ही लेंगे कि पहले पहले प्रश्न का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर दूसरे प्रश्न का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पहले प्रश्न का दूसरा पैराग्राफ उत्तर, पहले प्रश्न के उत्तर का दूसरा पैराग्राफ, फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर का दूसरा पैराग्राफ, और फिर पहले प्रश्न का उत्तर का तीसरा, और दूसरे प्रश्न के उत्तर का तीसरा। तो वो आपको पूरा लिंक को ख्याल में आएगा कि पहली जो बात थी उसका उत्तर क्या दिया, मतलब व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, ये इस पैराग्राफ में आएगा, और फिर उसे अंगीकार क्यों नहीं करना वो बाद में बात आएगी। तो वो दोनों लिंक होंगी, तो हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए समाधान प्रश्न आपको ख्याल में आ गया ना, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, इस समय सार की 8वीं का था कि अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, अनार्य को आर्य की भाषा में नहीं समझाया जा सकता, और आर्य मतलब आर्य सत्य, या फिर जो बात आपको बतानी है अनार्य को, तो बात तो बतानी है आर्य वाली, लेकिन किसकी भाषा में, कि अनार्य की। तो व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, तो उसका सबसे पहला पॉइंट देखिए, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे उसी प्रकार कहते रहें, तब तो वे समझ नहीं पाए, इसलिए उनको व्यवहार न से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी काय आदि रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। मैं एक बात बोलना था कि जो भी, देखो मैं यहाँ पे लैपटॉप से कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको मतलब अंडरलाइन वगैरह वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो जो भी कोई भी अंडरलाइन कर सकता है, वो सबके लिए हाईलाइट भी कोई कर सकता है, अंडरलाइन भी कर सकता है, पॉइंटर भी लगा सकते हैं, तो कोई भी वो काम साथ में कर सकता है, हमारी जहाँ बात चल रही है तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी पढ़ता हूँ, ये पहली बात आई कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, तो सबसे पहले बताया कि वास्तविकता में आत्मा का कैसा स्वरूप है। तो निश्चय से तो आत्मा का क्या स्वरूप है, कि वो पर द्रव्यों से भिन्न है और स्वभावों से अभिन्न, एकत्व विभक्त। तो पर द्रव्यों से भिन्न मतलब पर से विभक्त, और स्वभावों से अभिन्न मतलब अपने स्वभाव से एकत्व, एकत्व विभक्त वस्तु है, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब जो उस आत्मा को, जो इस ऐसी आत्मा को जो पर द्रव्यों से भिन्न है, स्वभावों से अभिन्न है, ऐसी स्वयं सिद्ध वस्तु है, उस आत्मा को जो नहीं पहचानते उनसे उसी प्रकार कहते रहे, कैसा कहते रहे, कि भी आत्मा एकत्व विभक्त आत्मा को जानो, एकत्व विभक्त आत्मा को जानो, उसकी श्रद्धा करो, उसमें ही लीन हो, तो उनको कैसे समझ में आए कि भाई वो एकत्व विभक्त आत्मा कौन है, या आप एकत्व परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु ऐसी आत्मा। अब ऐसा हम कहते रहे तो वो कैसे समझे कि आप किसकी बात कर रहे हो, तो वो समझ नहीं पाए, इसलिए उनको व्यवहार ने से, अब उनको कैसे समझा रहे, तो व्यवहार ने का सहारा लिया और बताया कि शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी काय आदि रूप जीव के विशेष किए। तो जीव के हम जब विशेष किए तो
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, पंच इंद्री में भी संगी असंगी, और संगी में भी और भेद हो जाते, मतलब तीन इंद्री, मतलब जो चार गति रूप भेद है वो संगी पंचेंद्री में होते हैं, बाकी एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो सब एक इंद्री होते हैं, तो सॉरी सब सब त्रिरंची होते हैं। तो ये जो चार गति वाले भेद हुए, ठीक है, नर नारक आदि, फिर पृथ्वी गाय आदि, ये जितने भी जीव के विशेष हुए, हाँ, तो ये जितने भी जीव के हमने विशेष किए, तो यहाँ पे वो एकत्व विभक्त आत्मा को बताने का ही प्रयोजन है, लेकिन उस एकत्व विभक्त आत्मा तक पहुंचाने के लिए सहारा किसका लिया, व्यवहार ने से शरीर आदि का संबंध वहां पे बताया, और शरीर आदि के संबंध के साथ, क्यों, क्योंकि वो आत्मा अभी संसारी जीव शरीर आदि के साथ पाया जा रहा है, तो बता रहे हैं शरीर को शरीर आदि की सापेक्षता के द्वारा बता रहे हैं, लेकिन बताना है वहां विद्यमान जीव को, ठीक है, लेकिन कथन क्या किया कि भाई मनुष्य जीव है, नार की जीव है, मतलब इस तरह से कथन किया, मनुष्य जीव है, नार की जीव है इत्यादि प्रकार सहित तो उन्हें जीव की पहचान, तो व्यवहार ने से कैसी पहचान हुई जीव को, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, ये बात समझ में आई आपको, कि निश्चय ने से आत्मा का जैसा स्वरूप है उसको वैसे ही कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो व्यवहार ने से शरीर आदि की सापेक्षता द्वारा मनुष्य जीव है, नार की जीव है इत्यादि प्रकार सहित जीव की पहचान हुई। अब देखो, अब ये पहला प्रश्न था कि बिना निश्चय के, बिना व्यवहार के, बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, अब उस व्यवहार ने को अंगीकार भी क्यों नहीं करना, क्योंकि आपने व्यवहार से उपदेश तो दिया लेकिन उसको अंगीकार क्यों नहीं करना, ये दूसरे प्रश्न के उत्तर में जो पहला पैराग्राफ है वहां पे आई, देखिए, तथा यहाँ, हाँ, तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना, पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है उस ही को जीव मानना, जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही सिद्धांत करना। क्या कहा प्रश्न में, क्या था दूसरा पॉइंट, कि जैसा व्यवहार ने कह रहा है या व्यवहार ने को अंगीकार क्यों नहीं करना, भूल बात आई थी ना समय सार जी की, उस आठवीं गाथा की व्याख्या में ये बात आई थी, व्यवहार ने और नानु सर्तव्या, तो व्यवहार ने से उपदेश तो दिया, निश्चय का, निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश तो दिया, लेकिन उस व्यवहार नए है उसको अंगीकार नहीं करना, तो यहाँ उसको बताया कि व्यवहार के माध्यम से उपदेश किस प्रकार से दिया, लेकिन उस व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना, वो वाली बात यहाँ पर है, कि भाई व्यवहार ने किसे जीव बोला था, कि व्यवहार ने नर नारक आदि मनुष्य को, त्रिरंच को, नरक नारकी को, इनको जीव बोला था, तो उस, ये तो पर्याय है नर नारक आदि, ये तो पर्याय है, और व्यवहार ने उन पर्याय को ही जीव कहा था, और जो पर्याय को जीव कहा वो पर्याय भी अकेले एक द्रव्य की नहीं है, वो तो जीव पुद्गल के संयोग रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जो जीव और पुद्गल दोनों की मिली हुई एक अवस्था है, उस एक अवस्था को, वास्तविकता में दोनों की अलग अलग अवस्था है, लेकिन वो जो जिसे व्यवहार ने एक मान के कथन किया, वास्तविकता में वहां पे वो जीव और पुद्गल दो की अवस्थाएं चल रही, उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय एक पर्याय कहा, ठीक है, नर नारक आदि जो पर्याय व्यवहार ने जिसको बता रहे हैं वो पर्याय तो है, लेकिन वो भी दो द्रव्यों की पर्याय चल रही, और दो द्रव्यों की पर्यायों को एक बता करके वो व्यवहार ने कथन किया, तो अब बता रहे हैं कि वो पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, और संयोग रूप है अर्थात दो का संयोग हुआ है, वास्तविकता में वो भिन्न भिन्न है, तो संयोग रूप है ना, संयोग शब्द से ही ख्याल आ रहा है कि दो का संयोग हुआ है, वो एक रूप है नहीं, वहां पे दो भिन्न भिन्न चीजें विद्यमान, तो वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है उसको जीव मानना, और जीव की विद्यमानता होने के कारण से, जीव की विद्यमानता होने के कारण से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा है, क्यों कहा शरीर आदि को भी जीव, व्यवहार ने भी शरीर आदि को जीव क्यों कहा, क्योंकि निश्चय विद्यमान है, इसीलिए निश्चय के विद्यमान होने पर ही, निश्चय के विद्यमान रहते ही उसे जीव कहा जाएगा, मृत शरीर को जीव भी नहीं कहा जाएगा,
मृत शरीर को जीव भी नहीं कहा जाएगा, वो आत्मा का विद्यमान होना ही शरीर आदि पे उपचार करके उसे जीव का कथन किया जा रहा है। वहां पे परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं। अब देखो, भले ही व्यवहार ने उपचार से शरीर आदि को जीव के संयोग होने पर जीव कह रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी कथन मात्र, वास्तविकता वो नहीं है। व्यवहार ने जो कथन किया वैसा वास्तविकता में है नहीं। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही सिद्धान करना, ऐसा ही सिद्धान करना मतलब जो जो परमार्थ कह रहा है वैसा सिद्धान करना, जैसा व्यवहार ने कहा वो अंगीकार करने योग्य नहीं है, वो वाली बात आ गई। इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि जो व्यवहार कह रहा है जैसा व्यवहार ने निरूपण किया वैसा अंगीकार नहीं करना, अर्थात वैसा सिद्धान नहीं करना, तो वो वाली बात यहाँ पे बताई कि जैसा व्यवहार ने कहा वो सिद्धान नहीं करना। और पहले क्या बात आई थी कि व्यवहार के बिना निरूपण क्यों नहीं होगा। तो देखो, व्यवहार तो परमार्थ का निरूपण कर रहा है, व्यवहार परमार्थ का निरूपण कर रहा है, और परमार्थ जैसा व्यवहार ने कहा है उसका निषेध कर रहा है। तो इनमें दो तरह से संबंध है, व्यवहार प्रतिपादक निश्चय प्रतिपाद्य, तो प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है, और एक और संबंध है कि व्यवहार निषेध है और निश्चय निषेधक है। निषेधक कौन है, निषेध करने वाला कौन है, कि निश्चय, किसका निषेध करने वाला है, कि व्यवहार का। तो निषेध करने योग्य कौन हुआ, कि व्यवहार, और निषेध करने वाला कौन है, कि निश्चय। तो दो तरह से संबंध हुआ, प्रतिपादक प्रतिपाद्य, जहाँ पे व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है, और दूसरा संबंध निषेधक निषेध संबंध है, जहाँ पे निश्चय निषेधक है और व्यवहार निषिद्ध है, जिसका निषेध किया जा रहा है। निषेध किया जा रहा है अर्थात जैसा व्यवहार कह रहा है वैसा अंगीकार नहीं करना, ऐसी बात निश्चय कह रहा है, जो हमने यहाँ पहले केस में देखा, जहाँ पे जीव आदि के निरूपण के संबंध में वाली बात आई कि व्यवहार ने नर नारकी मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इस तरह से उनका कथन किया, उस तरह से उनको बताया कि भाई जीव की पहचान कैसे होगी, हाँ उस तरह से जीव की पहचान करे। तो निश्चय ने कहा कि जैसा इसने बताया वो किसी उपचार से संयोग रूप अवस्था को जीव कहा, उपचार से जीव कहा, तो वो कथन मात्र, वास्तविकता में देखा जाए तो शरीर आदि जीव नहीं होते, शरीर भिन्न द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और जीव चेतन तत्व भिन्न तत्व है। तो सिद्धान वैसा करना, दोनों को भिन्न भिन्न सिद्धान करना। तो ये वाली बात अभी पहला केस हमने देखा। अभी इसकी दो, पंडित जी यहाँ पे दो बात और बताएंगे, इस तरह से व्यवहार के बिना निश्चय का निरूपण नहीं होगा, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, इसके लिए दो बात, दो मतलब उदाहरण रूप में, मतलब किस तरह से व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं होगा और उसे अंगीकार नहीं करना, तो दो उदाहरण के रूप में चर्चा भी और आएगी। तो इसको हम, अभी समय हो गया तो इसको हम कर लेंगे, ठीक है। निर्माण स्तुति करते हैं। दुर्निवारणानेक विरोध नंस नौषधि स्यात्कार जीविताजी आजैनी सिद्धांत पद्धति। नमोरिन्तणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लय संसारणम। नमोरिन्तणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लय संसारणम। नमोरिन्तणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लय संसारणम। नमोरिन्तणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमोच्छाणम नमोलय सर्वसवर्णम। नमोरिन्ताणम 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 नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमोच्छाणम नमोलय सर्वसवर्णम। जय हो। सभी को सादर जय श्री।